इस तरह बेटा क्लास फाइव है, इस तरफ क्लास थ्री बैठी है, दोनों का मुकाबला होगा। मुकाबला बेटा ये होगा कि यहाँ पर आप वाइट बोर्ड पर देख रहे हो बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। मैं बेटा जिसको बोलूँगा, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ इकबाल, तो जिसने पहले इकबाल के ऊपर उंगली रख दी वो उसको एक नंबर मिल जाएगा। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर क्लास पंजम के नंबर मार्क करूँगा, यहाँ पर क्लास फोर के नंबर मार्क करूँगा, एक एक बच्चा आ जाए दोनों में से। चलो भाई बच्चों देखो भाई सीधे हो जाओ, मैं लफ्ज़ बोलने लगा हूँ तो जो है पूछ लूँ, बताओ कहाँ लिखा है घड़ी? बताओ कहाँ लिखा है घड़ी? शाबाश, क्लास फाइव के लिए तालियां, एक नंबर। और क्लास फोर का अभी तक कोई नंबर नहीं, अगला बच्चा आ जाए दोनों क्लासों में से, जल्दी से बेटा। हाँ जी बच्चों मुझे बताओ कहाँ लिखा है लफ्ज बंदर? शाबाश, क्लास फोर का भी बन गया एक नंबर, वेल डन। अगला बच्चा आ जाओ दोनों क्लासों में से। हाँ जी बच्चों बताओ मुझे कहाँ लिखा है लफ्ज सेब? शाबाश, क्लास फाइव ने जल्दी से बता दिया, वेल डन भाई, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आ जाओ भाई अगला बच्चा, अपनी क्लास को जितवाने के लिए आ जाए जल्दी से। हाँ जी बच्चों बताओ कहाँ लिखा है खरबूजा? अरे वाह, क्लास फाइव जिंदाबाद। आओ भाई अगला बच्चा, हाँ जी कहाँ लिखा है बताओ मुझे उर्दू? अरे वाह भाई वाह, क्लास फोर जीत गई। क्या नाम है जी आपका बेटा? तो नंबर आ जाए जी अगला बच्चा। बच्चों देखो तो बताओ कहाँ लिखा है कंप्यूटर? अरे शाबाश भाई, क्लास थ्री जिंदा, क्लास फोर जिंदाबाद। ले भाई देखो दोनों क्लासें बराबर बराबर हो चुकी हैं, दोनों क्लासें बराबर हो चुकी हैं। चले जी आ जाए, अब ये आखिरी नंबर है और जिस क्लास ने ये नंबर ले लिया वो मुकाबला जीत जाएगी। मुझे बता दो कहाँ लिखा है रमजान? अरे क्लास फाइव ने जल्दी से बता दिया, बेटा शाबाश। तो बच्चों मुकाबला कौन जीता? फाइव क्लास के लिए तालियां, शाबाश, एक्सीलेंट।